हेलो एवरीवन, HCL टेक्नोलॉजीज ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में 5.67% ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ देखने मिली, जो कि 19,641 करोड़ रुपए है। टॉप लाइन में ग्रोथ की बात करें तो सबसे बड़ा जोर आईटी और बिजनेस सर्विस वर्टिकल से आया, जिसमें 7.6% की बढ़त देखी गई। इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज वर्टिकल में रेवेन्यू में गिरावट देखी गई, जबकि प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स वर्टिकल में भी अच्छा ट्रैक्शन देखा गया। मार्च 21 क्वार्टर में कंपनी को अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में गिरावट देखने मिली बाय -15.02% टू 3,282 क्रोर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये तेज गिरावट एम्प्लॉई बेनिफिट कॉस्ट में 20% स्पाइक के कारण थी। इस स्पाइक में HCL टेक के एम्प्लॉयज को $10 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करने के लिए 243 क्रोर्स का स्पेशल वन टाइम बोनस दिया गया था। मार्च 21 क्वार्टर में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65.26% एट ₹1,102 करोड़ से गिरा, जो सिक्वेंशियल बेसिस पर अप्रॉक्स 72.2% से कम है। ऑपरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अलावा मार्च 21 क्वार्टर में टैक्स लायबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई। HCL टेक ने गुडविल के लिए टैक्स और बुक बेसिस के बीच डिफरेंस पर डिफर्ड टैक्स के रूप में एडिशनल 914 करोड़ रुपये प्रदान किए। नेट प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17.07% टू 5.61% ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।